अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, हंसते रहें और अच्छी अच्छी रेसिपी बना के खाएं और खिलाएं। जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऑथेंटिक इटालियन पास्ता, जो इतना डिलीशियस और टेस्टी, मेरे चैनल के अलावा आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। वेलकम टू माई चैनल शॉप एंड चॉप। देखिए, असली ऑथेंटिक पास्ता के लिए चार इंग्रेडिएंट्स बहुत मस्ट हैं। पहला है टमाटर, दूसरा है पास्ता, तीसरा है गार्लिक और चौथा है बेजिल। तो यहाँ मैंने चार पांच टमाटर ले लिए हैं, फ्रेश टमाटर। इनको मैं बड़े बड़े पीसेस में काट लूँगी, जैसे कि ये काटा हुआ है। पास्ता में टमाटर का यूज़ ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने ले ली हैं लहसुन की कुछ कलियाँ, 12 से 15। इन्हें मैंने छील लिया है और अच्छे से मैं इन्हें क्रश कर लूँगी। इन्हें काटना नहीं है, इन्हें क्रश करना है, तभी इसका अरोमा निकल कर आएगा। इस तरह से देखिए, अच्छे से मैंने इसे क्रश कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेश बेजिल ली हैं, आपको ये कहीं पर भी वेजिटेबल शॉप में मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिलती है तो आप ड्राई बेजिल ले सकते हैं। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाती है और ये बहुत चीज़ों में काम आती है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है स्टील का हैवी बॉटम पैन, आप कोई नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 टेबल स्पून लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी इसमें क्रश किया हुआ गार्लिक। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसकी जैसी ही खुशबू आए हमें उतना ही इसे भूनना है। इसके बाद आप इसमें ऐड करिएगा चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, बस इसे सॉटे कर लेना है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें ये कटे हुए टमाटर। इस टाइम पर इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझे लग रहा है मैं घर पर नहीं हूँ, किसी 5-स्टार रेस्टोरेंट में हूँ। तो हमें टमाटरों को इतना भून लेना है कि वो गल जाएं। मैंने यहाँ पे 3 टमाटरों को बॉईल किया था और उन्हें पील कर लिया था, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा, इसे हम गलाने तक भूनते रहेंगे। यहाँ पर मैं कुछ बेजिल के पत्ते तोड़कर डाल देती हूँ, थोड़े से और डाल देती हूँ, मुझे बेजिल बहुत अच्छे लगते हैं, इसके बिना तो पास्ता पास्ता ही नहीं लगता मुझे। अब मैं ऐड करूंगी इसमें नमक, नमक अपने हिसाब से। थोड़ी सी पिसी काली मिर्च, हमें इसे इतना पकाना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाएं। तो अब ये टमाटर अच्छे से गल भी गए हैं और भुन भी गए हैं, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब थोड़ा ठंडा करके मैं इन्हें पीस लेती हूँ मिक्सी में और इनका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये हमारी तैयार हो जाएगी पास्ता सॉस। अब इसके बाद हम करेंगे पास्ता बॉईल। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, मैं पानी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ इसे। जब भी आप पास्ता बनाएं तो सबसे पहले आप पास्ता सॉस बना लें, उसके बाद ही आप पास्ता को बॉईल करें, नहीं तो पास्ता जो है वो फिर टूट जाते हैं। तो अब ये पानी बॉईल हो चुका है, मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ मैंने 2 कप पास्ता लिया है, पैनी पास्ता, अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे चला लेते हैं। इसमें ऑयल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पास्ता नहीं चिपकता है। बस जब भी आप पास्ता पानी में डालें तो उसे पहले आप अच्छे से चला लें। अब ये पास्ता मेरा बॉईल हो चुका है, हमने पास्ता को 90% ही बॉईल करना है, 10% छोड़ देना है क्योंकि वो सॉस में पक जाता है। अगर आपको लगता है आपका पास्ता ज़्यादा गल गया है तो आप उसे ठंडे पानी में डाल दीजिए, उसकी कुकिंग वहीं रुक जाएगी। तो यहाँ मैंने वही सेम पैन ले लिया है जिसमें अपने टमाटर भुने थे। मैंने 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है इसमें, और जो मैंने अपनी अभी पास्ता सॉस बनाई है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा इस टाइम पर।
मैंने जो पास्ता बॉईल किए हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, नहीं तो पास्ता सारे टूट जाएंगे। अब ऐड करूंगी मैं इसमें 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। इससे पास्ता बहुत क्रीमी और रिच बनेगा और बहुत टेस्टी भी बनेगा। बस धीरे धीरे इसे मिक्स करना है, बस ध्यान रखें कि पास्ता टूटे नहीं। आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। यहाँ पे मैं कटे हुए बेजल डालूँगी, मैंने इन्हें बारीक काट लिया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तब भी पास्ता आपका बहुत टेस्टी बनेगा। आपने देखा मैंने इसमें बहुत कुछ ऐड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल पास्ता है। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी चीज़, ये भी ऑप्शनल है। अब मेरा पास्ता बनके रेडी है। अब मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी चीज़ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब 10 सेकंड तक बस फ्लेम को ऑन रखना है, उसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और 5 मिनट के बाद मैं इसे खोलूंगी। तो देखिए दिख रहा है ना कितना ज़बरदस्त पास्ता, खाने में तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पूरी गारंटी से कह रही हूँ आपने ऐसा पास्ता कहीं नहीं खाया होगा। तो आपने देखा मैंने इसमें बाहर की कोई सॉस कोई केचप ऐड नहीं किया है और उसके बाद ये इतना टेस्टी बनता है कि आप सारे पास्ता भूल जाएंगे। तो एक बार बनाना तो ज़रूर बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पास्ता कैसा बना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके पास कोई रेसिपी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे इजी करके बनाऊं और आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उस रेसिपी को कम से कम टाइम में और इजी तरीके से बना के आपको दिखाऊं। लेकिन ये पास्ता आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। आई एम 100% श्योर ये पास्ता सारे पास्ता पर भारी है। जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप बनाइएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सबको अलविदा।